खाइएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं छनछा कैसे बनाया जाता है, जो कि यहाँ की बहुत ही फेमस डिश है और बहुत ही टेस्टी भी। तो हम भी चाची से बना रही है, तो हम उनसे पूछते हैं इसे कैसे बनाते हैं, इन्होंने इसमें क्या डाला है बताइए चाची। ये महामल पहले झुंगर चाय तब धोया तो ठंड पानी में उबाला, अब ये महामल छाछ। चाची ने कहा कि उन्होंने इसमें झुंगराड़ डाला है धोने के बाद, अभी ये उबल रहा है, इसके बाद इसमें डाली जाएगी छाछ, जिसमें पका के फिर ये तैयार होगा। ये बहुत ही हेल्दी होता है झुंगराल, यहाँ जो है स्पेशली यहीं उगाया जाता है। इसका भात भी बनाया जाता है, जैसे कि आप चावल का भात खाते हैं, और ये बहुत ही हेल्दी होता है। अब हम इसमें डालते हैं छाछ। चाची कितनी डालनी है आप बता दीजिएगा। पूरा ये तो अभी हमने इसमें छाछ डाली है, पहले इसको हमने थोड़ा 10 मिनट तक बॉईल किया है, उसके बाद इसमें कम से कम 1 लीटर हमने छाछ डाली है। अभी इसको थोड़ी देर इसमें ही पकने देना है, जब तक ये पकेगा इसको हमें लगातार हिलाते रहना है ताकि ये फटे ना। तो मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डलता है, इसे हम सिंपली धो के पहले इसे थोड़ा हमें पानी में बॉईल करना होता है, उसमें बस इसमें छाछ ऐड करनी होती है। इसका जो रियल टेस्ट आता है वो आता है स्पेशली पहाड़ी नमक से, जो हम थोड़ी देर में पीसने वाले हैं। फिलहाल अभी बस हमने इसमें छाछ डाली है, सिर्फ छाछ में ही पकाया जाता है ये। इसको पकने में कम से कम हो सकता है 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। चाची का कहना है कि इसको बनाने में आधा घंटा लग सकता है। अभी हम इसे गैस पे नहीं बना रहे हैं, चूल्हे पे बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो डिशेस होती हैं ना, उनका मज़ा, उसका टेस्ट तभी निखरता है जब हम उसे आग पे बनाते हैं। गैस पे उतना मज़ा नहीं आता है। और अगर आप इसको स्पेशली कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में बनाओगे, फिर तो उसके कहने ही क्या है। तो अभी हम नमक के लिए तोड़ने वाले हैं कुछ चीज़ें, लहसुन के पत्ते, और इसके साथ डालेंगे हम धनियों के पत्ते। नमक पिसेगा ना, हाय का स्वाद ही अलग है। तोड़ लिए धनिए के पत्ते और लहसुन के पत्ते, इनसे हम पीसने वाले हैं नमक। इसमें अभी हम थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स और डालेंगे, और उसके बाद जो चटपटा नमक बनेगा ना, उसके साथ खाएंगे छनछा, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। फिर चलिए मैं आपको बताती हूँ गांव में नमक कैसे पीसा जाता है, यहाँ का बहुत ही स्पेशली पहाड़ी नमक। हाय, ये हमारा किचन है, यहाँ पे हम पीसेंगे भी नमक। ओके, तो अभी हम पीसने वाले नमक सिलवट्टे में, मिक्सी में नहीं, ठीक है। ये हमने रख दिया यहाँ पे लहसुन और धनिया के पत्ते, इनको हम थोड़ा सा छोटा छोटा कर देते हैं, आसानी से पिस जाएगा। इसमें हम खूब सारी डालेंगे हरी मिर्चें, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं, पीसने में आसानी होगी। और अभी हम इसमें डालेंगे लाल मिर्चें, सूखी हुई लाल मिर्चें, बहुत ही चटपटा नमक पीसने वाला है आज। अब इसमें डालने वाले हैं हम नमक खूब सारा, क्योंकि हम नमक ही पीस रहे हैं। दानेदार नमक है, नॉर्मल जो टाटा नमक टाइप्स वो आता है वो नहीं है, ये पहाड़ी नमक होता है। अभी हमने बहुत सारा नमक डाल दिया है, अब हम इसे पीसेंगे। इसे थोड़ा थोड़ा बीच में करते जाएंगे ताकि आसानी से पीस जाए।
इसे पीसने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग 10 मिनट, क्योंकि हमें बहुत फाइन पीसना है जो कि बहुत ही हार्ड है। कम से कम हमें 3 राउंड हमें इसके करने होंगे, उसके बाद ही नमक हमारा तैयार हो जाएगा छनछा के साथ खाने के लिए। और नानू किसका तेरा नमक? बस वही गया है। कितना टाइम लगेगा? बस 1 राउंड और तो ये रेडी। अच्छा तो मैं काम करता हूँ, मैं बाहर देखता हूँ, वहाँ पे बन चुका है छनछा। कैमरामैन इधर दे। तो मजा आया आपको छनछा बनाने में? बिल्कुल। कितना मजा आया? मजा मक्खी मक्खी नहीं आटा इसको। तो देख सकते हैं आप कितना मतलब उबाल मार रहा है ये, जिसको हम गढ़वाली में कहते हैं थड़कना। अब बिल्कुल प्रॉपर बन चुका है। अब हम डालेंगे सिर्फ इसमें नमक, वो भी खाते समय, और बहुत ही तगड़ा बनने वाला है, मजा आने वाला है। वेट करो बस थोड़ा सा, क्योंकि नमक आने ही वाला है। दादी छनछा बन गया, तुम छनछा खानी? छनछा खाना नहीं लाभ है। अच्छा तुम तो अच्छे लगो नहीं? अच्छा लगो मैं तो छनछा। ये देखिए हमारी आरती रानी दादी के लिए छनछा लाती हुई। बिल्कुल खाना, बिल्कुल अभी हम लिए हम डाले नमक, ठीक जी वे बात तुम खाना। दरअसल मैं ये कह रहा हूँ कि अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, वो भी हरा मतलब गांव का नमक, उसके बाद खाएंगे इसको, देखेंगे दादी को कैसा लगता है हमारा बनाया हुआ छनछा। भंडारा लग चुका है यहाँ पे छनछा का, आरती रानी छनछा बांट रही है। ये देखिए बहुत शौक है इसको छनछा बांटने का। बस कम कम दे गुनू कैसा लगा तुझे? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, कोई भी रेसिपी से फेल नहीं कर सकती। आपकी तो जरूर बनेगी। बहुत मस्त लगा था। क्या मजा आ रहा है इसमें नमक डाल के। सो गाइस हमारा छनछा रेडी है, टेस्ट करते हैं कैसा है। चाची ने बड़ी मेहनत से बनाया, और यहाँ पे हमारी नानू ने बहुत मेहनत से बनाया, जबरदस्त। सबसे बेस्ट चीज इसमें क्या है, बहुत अच्छी तरह पका है। कई लोग पकाते हैं, अच्छी तरह पक नहीं पाता, लेकिन बहुत अच्छी तरह पका है। बहुत ही ज़्यादा ग्रेट टेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक टेस्ट है। खट्टा हो रहा है, ऊपर से नमक का जो स्वाद आ रहा है वो मज़ा आ गया। अरे यहाँ आरती ने 3 थकुल चाट दी। आरती लिखा बोली बहुत अच्छा था रहा, कैसे खाते ला दे कर देखिए। आरती को दिखाओ, आरती को दिखाओ, नहीं मुझे बोल नहीं। हां दिखा दिखा दिखा। आरती दीदी ने लगातार 3 वो खा दी है, 3 थकुल चाट दिए बोले। इनका टंकी है, पेट नहीं है। 3 थकोले कोई इंसान नहीं खा सकता, दुनिया से आई है। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको कैसा लगा छनछा? अगर पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी। बाय बाय। छनछा खान में अच्छा लग? बिल्कुल अच्छा लग दादी, बहुत अच्छा लग। हाँ क्या डाला उसमें? नमक, हाँ मिर्ची, हाँ और ठीक, और क्या क्या डाल? और लहसुन, हाँ प्याज, हाँ धनिया, हाँ और प्यार डाल हमल। बस बस चलो बाय 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 बाय।